नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। तो भाई क्या शानदार जीत दिल्ली कैपिटल्स ने दर्ज की है। दिल्ली कैपिटल्स की जीत के जो पांच हीरो रहे हैं अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दिल्ली कैपिटल्स की जीत के सबसे बड़े हीरो तो रहे छुटकू यानी कि पृथ्वी शॉ। भाई छोटे कद का खिलाड़ी है लेकिन क्या मारता है भाई। मतलब चेन्नई के गेंदबाज ये समझ नहीं पा रहे थे उसको गेंदबाजी कहां करें। शॉर्ट पिच दे रहे थे तो पुल मार रहा था, आगे दे रहे थे तो कवर पे मार रहा था, छोटी दे रहे थे तो कट मार रहा था, स्पिनर्स को मार रहा था, पेसर्स को मार रहा था और इसी वजह से पृथ्वी शॉ ने अपनी टीम को बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। दूसरे हीरो रहे मेरे लिए शिखर धवन, जिन्होंने पृथ्वी शॉ का बखूबी साथ दिया। जैसी शुरुआत की अपेक्षा करती है कोई भी टीम, वैसी शुरुआत शिखर धवन ने पृथ्वी शॉ के साथ मिलकर दी और कुछ अच्छे शॉट्स भी खेले। तो दूसरे हीरो हो गए शिखर धवन। उसके बाद मैं तीसरा हीरो मानूंगा ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और उन्होंने लगभग 25 गेंदों पर 37 रन नॉट आउट बनाए। ये अच्छा स्कोर था, उन्होंने इसी की वजह से टीम 175 के अच्छे स्कोर तक पहुंच पाई। तो तीसरे हीरो हो गए ऋषभ पंत। फिर मैं चौथा हीरो मानूंगा श्रेयस अय्यर को। क्यों? क्योंकि उन्होंने बल्लेबाजी में भी एक तरीके से ऋषभ पंत के साथ बहुत रन नहीं बनाए लेकिन जितने बनाए उतने काफी थे। और दूसरी बात, उन्होंने कप्तानी बहुत शानदार की। महेंद्र सिंह धोनी के क्रीज पर आने से पहले ही उन्होंने अपने स्पिनर्स के 8 ओवर निकलवा दिए थे और इस वजह से आखिरी में उनके पास पेसर्स के बॉलिंग बची थी। जब धोनी आए तो सभी को पता है कि पेस के खिलाफ थोड़ा धोनी का एक तरीके से एवरेज कम है, इसी वजह से उन्होंने प्लानिंग करके रखा, प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर दिया। इस वजह से सीएसके मैच से दूर होती चली गई। और पांचवा हीरो मैं अक्षर पटेल को मानूंगा क्योंकि भाई उन्होंने शुरुआत में ही इतना बांध दिया था सीएसके के बल्लेबाजों को कि एक बार जब वो उस बंधन में बंध गए, उस जाल में बंध गए तो चाह कर भी उस जाल से बाहर नहीं निकल पाए। तो ये आज के मैच के पांच बड़े हीरो रहे। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। दिल्ली के दिलेर, पांच दिल्ली के शेर। बहुत बहुत शुक्रिया।